किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ वो बैंक है जहां दुखों को भावनाओं को जमा किया जाता है, और पिता ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है RJ कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही इमोशनल कहानी, इसे किरण राज पुरोहित जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि मैं गांव में सभा के लिए जा रहा था। गांव में जब भी कोई सोशल वर्क होता था उसके लिए मीटिंग बुलाई जाती थी, उसे सभा कहते हैं। तेजी से जा रहा था तभी मुझसे तेज एक स्पीड में आगे बुजुर्ग निकल गए। उन्होंने पुराने से कपड़े पहने हुए थे, धोती कुर्ता। मैंने आवाज देकर कहा, काकू साहब इतनी जल्दी में कहाँ हो? तो कहने लगे, अरे आ जा जल्दी, किरण सभा शुरू होने वाली है। हम साथ चलने लगे। मेरी नजर जमीन पर गई तो मिट्टी पर गहरे निशान थे। मैं समझ गया खून के निशान। में कहने लगा, आपके पैरों से खून आ रहा है काकोसा? तो मुझे डांट कर कहने लगे, मैं तेरे पिता से 2-3 दिवाली बड़ा हूं, काका नहीं हूं तेरा। तो मैंने कहा, दाता पैरों से खून आ रहा है, आपके जूते शायद फट गए हैं। तो कहने लगे, जूते नहीं फटे हैं, ये मजबूत हैं, ये पगरखियां हैं देसी चमड़े की जो होती हैं, तुम्हारी तरह कपड़े के जूते नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी घुस गया। मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, बातों में मुझे उलझा रहे थे। मैं चिंतित था कि कहीं पैर में उनको कोई कांटा तो नहीं लग गया, कोई कील तो नहीं चुभ गई। हम सभा में पहुंच गए, सभा शुरू हुई, खत्म हुई, लेकिन मेरा ध्यान उनके पैरों की तरफ था। उन्होंने बड़ी चतुराई से देसी अंगोछा जो होता है, रुमाल, उससे पैरों को ढक लिया। लेकिन जब मैं जूते पहनने के लिए वापस खड़ा हुआ और उनकी पगरखियों की तरफ ध्यान गया तो फटी हुई थी, एक में तो बड़ा सा छेद हो रखा था। उन्होंने फटाफट से फुर्ती दिखाते हुए कि मुझे पता ना चल जाए पहन ली। हम वापस आने लगे उसी रास्ते से। रेतीला इलाका था, चलते जा रहे थे और मैं बार बार उनके पैरों की तरफ देख रहा था। और अब की बार तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपकी ये पगरखियां फट गई हैं, क्यों पहन रहे हो? जहां मैंने कहा तो अब की बार नरम पड़ गए। कहने लगे, क्या बताऊं, बेटों की इज्जत के लिए पहन लेता हूं। मैंने कहा, बेटों की इज्जत के लिए? तो मुझे कहने लगे कि आज से 2 साल पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया, उसके जाने के बाद मैं अकेला सा हो गया हूं। 2 बेटे, एक परदेश में रहता है, एक शहर में रहता है। और बेटा, जब बच्चा 8 का होता है और जब बुजुर्ग 60 का होता है तो दोनों ही परबस हो जाते हैं, अपने बस में कुछ नहीं रहता, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ जाता है। बच्चों को लगता है कि डोकरी के जाने के बाद में पगला गए, मेरी पत्नी के जाने के बाद में। तो मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चे आपके साथ में ये सब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बेटों की इज्जत के लिए मैं पगरखियां पहनता हूं, तो फटी हुई है, एक में तो इतना बड़ा छेद हो रखा, देखा मैंने अभी। तो मुझे कहने लगे कि हाँ, बेटों की इज्जत के लिए पहनता हूं, मेरा क्या है, 1-2 साल का मेहमान हूं, चला जाऊंगा। लेकिन अगर किसी को जाकर के अपना दुख बताऊंगा, रोऊंगा, तो लोग कहेंगे कि बेटे जो बहू हैं ऐसे आए, उनकी इज्जत का सवाल है। नंगे पैर घूमूंगा तो लोग कहेंगे, देखो जूते भी नहीं दिला सकते बच्चे, ये परदेश में जो रहता है उसने 3 साल पहले दिलवाई थी पगरखियां, फट गई हैं, कब तक चलेंगी? उनकी इज्जत बची रहे इसलिए फटी ही सही, लेकिन पगरखियां पहन लेता हूं। किरण जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नए जूते दिला देता हूं, तो मुझे कहने लगे, नहीं नहीं, तू तो अपनी मां के लिए नई जूतियां लेकर के जाना, उनका ख्याल रखना इतना काफी है, कह करके चले गए। छोटी सी कहानी है लेकिन सार भी है। आज हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने पेरेंट्स की इज्जत में कमी ला देते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने सारे दुख सह करके आपको यहां तक पहुंचाया, क्या आप उन्हें अपने सुख में हिस्सेदार नहीं बना सकते? सोचिएगा जरूर। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।